Hello friends, I'm Manmat. I'm from InnoPack Packaging Consultants. Welcome to IID. आज जो ये वीडियो है इसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि पैकेजिंग क्या है, पैकेजिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, कहाँ कहाँ पे पैकेजिंग यूज होता है और हम कैसे इस पैकेजिंग को लेके हमारे प्रोडक्ट को बेहतर कर सकते हैं। आप इसको देखिए, देर आर सेम प्रोडक्ट इन टू डिफरेंट पैकेजिंग्स। इसमें प्रोडक्ट सेम है, क्वान्टिटी सेम है, प्राइस सेम है, बट पैकेजिंग अलग अलग है। तो अगर आप इसको देखें तो एज ए कस्टमर आप किसको चुनेंगे? मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द पीपल विल चूज दिस वन। क्यों? क्योंकि इसकी पैकेजिंग इससे बेटर है। अब इसका देखने का तीन नजरिया है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको आप बेचना चाहते हैं मार्केट में, अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी है तो अगर ये शेल्फ में रहता है तो जो कस्टमर है जब वो शेल्फ में आप उसको देखेगा तो आपका ही प्रोडक्ट चुनेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपके दूसरे प्रोडक्ट से अलग दिखता है। इसमें सेकेंड नजरिया ये है, अगर आप कोई पैकेजिंग मटेरियल बनाते हैं और आपका पैकेजिंग मटेरियल दूसरों से अलग है, जैसे ये इसका पैकेजिंग, ये बॉटल और एक कैप, ये दोनों जैसे आपके दूसरे पैकेजिंग से अलग है तो आपको इसकी प्राइसिंग अच्छी मिल सकती है। तीसरा नजर ये है, अगर आप पैकेजिंग के यूजर है, इस प्रोडक्ट के यूजर है, आप इसको खरीदना चाहते हैं, तो कोई भी कस्टमर हो वो ये चाहता है कि उसकी उसके प्रोडक्ट की पैकेजिंग थोड़ा यूनिक दिखे, सो दैट द कस्टमर विल हैव डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। पैकिंग और पैकेजिंग दोनों में डिफरेंस क्या है? इंडस्ट्री में पैकिंग वर्ड बहुत दिनों से है। हर कोई बोलता है ये पैकिंग मटेरियल, ये पैकिंग ऐसा है, वो पैकिंग ऐसा है। टेक्निकली पैकिंग जो होता है इट्स अ फिजिकल ऑपरेशन। एक प्रोडक्ट है, एक पैकेजिंग है। सोचिए एक पाउच है तो आपका प्रोडक्ट उस पैकेजिंग में गया तो इट इज कॉल्ड पैकिंग, तो इट्स अ फिजिकल ऑपरेशन। पैकेजिंग क्या है? पैकेजिंग थोड़ा ब्रॉडर टर्म है, इट इंक्लूड्स पैकिंग ऑल्सो। पैकेजिंग में क्या क्या कवर होता है कि आपका कौन सा पैकेजिंग मटेरियल होना चाहिए, उसमें उसके फीचर्स क्या होना चाहिए, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होना चाहिए, उसके डिज़ाइन कैसे होने चाहिए, उसमें प्रोडक्ट कैसे पैकिंग होना चाहिए जो फिजिकल ऑपरेशन है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे बनना चाहिए, आपकी जो शिपिंग नेटवर्क है वो कैसे होना चाहिए, सो दैट इट रीचेस टू द कस्टमर इन अ सेफ कंडीशन विथ मिनिमम कॉस्ट। इसमें एक चीज़ ये भी देखना पड़ता है कि पैकेजिंग मटेरियल जो है उसमें जो लेबलिंग वाला पार्ट है जिसमें बहुत सारे चीज़ें लिखे रहते हैं वो गवर्नमेंट के रेगुलेशन को कंप्लाई करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आप कोई फूड प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें फूड प्रोडक्ट का आपका ब्रांड नेम तो आता ही है, साथ में उसमें प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आना चाहिए, उसमें प्रोडक्ट के कंपोजिशन आना चाहिए, आपके मैन्युफैक्चरिंग डेट आना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट आना चाहिए, ये सब। तो दिस कवर्स द रेगुलेटरी पार्ट। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपका प्रोडक्ट को आपको पैकेजिंग डेवलप करना है तो आपको शुरू से करना पड़ेगा, जिसमें पैकेजिंग मटेरियल डेवलपमेंट से लेके उसकी आपको ऐसा मेथड डेवलप करना पड़ेगा पैकेजिंग का जो शुरू से लेके एंड तक आपके कस्टमर तक पहुंचने के लिए हेल्प करे। पैकेजिंग कितने टाइप के हैं? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स एंड सेक्टर्स ऑफ पैकेजिंग, इसके ऊपर थोड़ा मैं आपको बोलूंगा। एक होता है पैकेजिंग सेक्टर वाइज, किस सेक्टर में इस पैकेजिंग का यूज हो रहा है। जैसे फूड सेक्टर, फूड पैकेजिंग अलग है, कॉस्मेटिक पैकेजिंग अलग है। कॉस्मेटिक पैकेजिंग आपके लिपस्टिक, हेयर ऑयल, शैम्पू, ये सब आता है, उसकी पैकेजिंग अलग अलग है। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग अलग है, इसमें मेडिकल डिवाइसेस की पैकेजिंग अलग है, रिटेल की पैकेजिंग अलग है, ई कॉमर्स की पैकेजिंग अलग है। वैसे ही आप कुछ भी मतलब हैंडीक्राफ्ट के लिए पैकेजिंग अलग कर सकते हैं और आपके कॉस्मेटिक के लिए अलग कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पैकेजिंग है। सारे टाइप के पैकेजिंग का रिक्वायरमेंट अलग अलग है, सारे का डिजाइनिंग अलग अलग है, तो इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। सेकेंड कैटेगराइजेशन ये है पैकेजिंग का, कितने ऐसे टाइप के पैकेजिंग आप यूज करते हैं। देयर आर मेनली थ्री टाइप्स, वन इज प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग एंड थर्ड टर्शियरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग वो है जो आपके प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है, जैसे बॉटल के अंदर प्रोडक्ट है, सोचिए ऑयल है, तो ऑयल के लिए दैट बॉटल विल बी प्राइमरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या है? बॉटल के ऊपर लेबल लगा है, बॉटल के ऊपर कार्टन रखा हुआ है, दिस इज सेकेंडरी पैकेजिंग। देन देयर इज अ टर्शियरी पैकेजिंग। टर्शियरी पैकेजिंग क्या है? आपने एक कार्टन के अंदर बॉटल भरा हुआ है, उसको आप एक शिपर में रखे, शिपर मीन्स कॉरुगेटेड बॉक्सेस, जिसको आप हिंदी में कुछ लोग गत्ता भी बोलते हैं, तो ये है टर्शियरी पैकेजिंग। इसके अलावा कुछ ऐसे पैकेजिंग होता है जिसको एक्सिलरी पैकेजिंग बोलते हैं, जैसे आप बीओपीपी टेप और सेलो टेप और मे बी पैलेट और शिपर के ऊपर का लेबल, ये सब एक्सिलरी पैकेजिंग में आता है। तो दिस इज द सेकेंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी ऑफ पैकेजिंग ये है, डिपेंडिंग ऑन द पैकेजिंग मटेरियल टाइप, पैकेजिंग मटेरियल क्या क्या होते हैं। तो नॉर्मली पांच टाइप के पैकेजिंग मटेरियल होते हैं। एक होता है पेपर, वुड, ग्लास, मेटल एंड पॉलीमर्स। दीज आर द फाइव मेन कैटेगरीज ऑफ पैकेजिंग। तो आप जैसे ग्लास बोले तो ग्लास के आपके बॉटल्स हैं, जार्स हैं, ये सब पैकेजिंग मटेरियल में आता है।
पेपर में आपका पेपर बोर्ड, कॉरूगेटेड बॉक्सेस, ये सब पेपर में आता है। वुडन पैकेजिंग जैसा है जैसे आपके पैलेट्स, वुडन बॉक्सेस, ये सब वुडन में आते हैं। मेटल पैकेजिंग वैसा है जैसे आपके टिन कंटेनर है, जैसे आप रसगुल्ला वगैरह में यूज करते हैं। एल्यूमिनियम कैंस है, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में यूज करते हैं, टिन कैंस है, तो दिस इज मेटल पैकेजिंग। द फिफ्थ वन इज पॉलीमर पैकेजिंग। पॉलीमर में क्या कहते हैं, प्लास्टिक्स, विच इज द मोस्ट कॉमन और मोस्ट कंट्रोवर्शियल। आजकल इंडिया में आपने देखा होगा बहुत सारे रेगुलेशंस पैकेजिंग को, प्लास्टिक पैकेजिंग को लेके है, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे बाद में। तो इसमें ये दिस इज द फिफ्थ वन, प्लास्टिक पैकेजिंग। तो आपको मोटा मोटा तीन टाइप के मैंने पैकेजिंग बताया। वन इज सेक्टर वाइज, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में कैसे पैकेजिंग यूज होता है। सेकेंड सेकेंड इज यूसेज वाइज, एक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, एक्जिलरी। एंड द थर्ड वन इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, क्या क्या पैकेजिंग मटेरियल के स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे आपको बताया पांच टाइप के, ग्लास, पेपर, मेटल, वुड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि पैकेजिंग के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, पैकेजिंग हमारे लिए क्या काम करता है। तो प्राइमरीली देर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस। एक होता है प्राइमरी फंक्शन, जो उसके मेन फंक्शन होता है। एक होता है सेकेंडरी फंक्शन, जो उसके सेकेंडरी फंक्शन होता है। तो प्राइमरी फंक्शन में वैसे तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं प्राइमरी के, तो मैं आपको पांच मेन फंक्शंस बताऊंगा, जिसमें पहला है प्रोटेक्शन। सो प्रोटेक्शन मीन्स आपका जो पैकेजिंग है ये आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, देर आर टू मेन फैक्टर्स। एक होता है क्लाइमेटिक फैक्टर्स, एक होता है ट्रांजिशनल फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में क्या कहते हैं, जैसे डस्ट है, माइक्रोब्स है, मॉइस्चर है, रेन है, लाइट है और ऑक्सीजन है, इससे आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्शन में एक सेकेंड फैक्टर इज मैकेनिकल फैक्टर्स। मैकेनिकल फैक्टर्स में क्या क्या आता है, जैसे आपके प्रोडक्ट है, ये जब ट्रक में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है तो उसमें क्या स्टैकिंग करते हैं। स्टैकिंग होता है एक बॉक्स के ऊपर दूसरा रखा, दूसरे के ऊपर तीसरा रखा। कोई वर्कर है जब इसको हैंडल करता है तो एक बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह फेंकता है। कभी कभी वाइब्रेशन भी होता है, जैसे आपका ट्रक एक रास्ते पर चल रहा है तो उसमें वो प्रोडक्ट उसके अंदर हिलता है, तो दिस इज अ वाइब्रेशन। तो ये सबसे आपका पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट को बचाता है। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन विच इज कॉल्ड प्रोटेक्शन। सेकेंड जो मेन फंक्शन है पैकेजिंग का, दैट इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन क्या होता है, जिसमें आपका प्रोडक्ट को पैकेजिंग प्रिजर्व करता है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट को बाहर रखते हैं, सोचिए फूड प्रोडक्ट है, तो ये 3 दिन या 2 दिन या 2 घंटे या 5 घंटे में ख़राब हो जाता है। बट अगर आपने उसको सही से पैक किया, सही पैकेजिंग मटेरियल सिलेक्ट किया और सही पैकेजिंग प्रोसेस आपने फॉलो किया, तो इसका शेल्फ लाइफ मीन्स कितना दिन वो प्रोडक्ट यूजेबल फॉर्म में रह सकता है, तो ये शेल्फ लाइफ इट कैन इंक्रीज़। तो आपने देखा होगा जैसे जूसेस है, आप घर में जूस बनाते हैं, ये 3 दिन या 2 दिन में ख़राब हो जाते हैं फ्रिज में, लेकिन अगर आपके जूसेस बाहर जो मार्केट में मिलता है, ये 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, इवन साल भर तक चलता है। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, विच इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन। देन थर्ड वन इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होता है, जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है, ये आपके ब्रांड को प्रेजेंट करता है इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर। तो कस्टमर जब आपका पैकेजिंग देखता है तो उसको उसके दिमाग में ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये प्रोडक्ट यही हो सकता है। जैसे कोई आपने देखा होगा कुछ टूथब्रश है ग्रीन कलर में है, या फिर कोई प्रोडक्ट ग्रीन कलर में है, तो उसमें ये लगता है ये हर्बल प्रोडक्ट होगा। तो जैसे उसका कलर सिलेक्शन वैसा है, तो आपकी पैकेजिंग मटेरियल जो है उसकी डिज़ाइनिंग ऐसी होनी चाहिए जो आपके ब्रांड को प्रोटेक्ट करे और उसको सही से कस्टमर को पहुंचाए। देन द फोर्थ फैक्टर इज कन्वीनियंस। कन्वीनियंस क्या होता है, जैसे ऑन द गो प्रोडक्ट्स बोलते हैं इसको। जैसे आपने जूसेस पहले कैसा होता था, शॉप में जाते थे आप और शॉप में वो जूस में बना के देता था, लेकिन अगर आप कोई ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं फ्लाइट में है, ट्रेन में है या बस में है, आपको जूस पीना हो तो ये रेडीमेड पैक में मिलता है, तो आप उसको, ये आपको कन्वीनियंस देता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे नमकीन आता है जिसमें एक जिप लॉक होता है, आपने एक उसको खाते हैं तो उसमें एक जिप होता है, आप उसको खोलिए फिर खाइए फिर बंद कर सकते हैं। तो जिप लॉक का ये पर्पज़ होता है कि जैसे आपको, आपके पास डब्बा नहीं है सेव करने को प्रोडक्ट खाने के बाद, तो आप उसको जिप करेंगे और आप अपने बैग में रख सकते हैं, अपने अपने शेल्फ में रख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कन्वीनियंस। दिस इज द वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। अनदर फंक्शन ऑफ पैकेजिंग इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स व्हाट, ये जो आप प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं ये कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि क्या प्रोडक्ट है। तो आपका जैसे लेबल में आप देखेंगे उस प्रोडक्ट का नाम लिखा होता है, हेयर ऑयल हो या आटा हो या सूजी हो या मैदा हो, जिसको देख के कस्टमर को पता चलता है कि वो क्या प्रोडक्ट खरीद रहा है। तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। दिस हेल्प्स, मतलब इट मीन्स द पैकेजिंग हेल्प्स टू कम्युनिकेट द प्रोडक्ट नेचर एंड प्रोडक्ट नेम टू द कस्टमर। देन पैकेजिंग की एक और फंक्शन है लेबल, लेबलिंग, इट्स कॉल्ड लेबलिंग। लेबल क्या होता है, जिसमें आपने कोई प्रोडक्ट लिया उसके ऊपर एक लेबल या स्टिकर लगा हुआ होता है, उसमें आप देखेंगे प्रोडक्ट के ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ है उसमें प्रोडक्ट के डिटेल्स, इंक्लूडिंग कौन मैन्युफैक्चरर है, कौन उसकी सेलर है, कितने उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कितना ml है, ये सब डिटेल्स होता है। तो
दिस इज कॉल्ड लेबलिंग। तो ये लेबलिंग जो है इसमें दो आपके मेन फंक्शन होते हैं लेबल के, एक तो ये आपके प्रोडक्ट का डिटेल्स आपके कस्टमर को बताता है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका फंक्शन ये होता है कि गवर्नमेंट रेगुलेशन को कंप्लाई करना। आप अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में बेचना चाहते हैं, चाहे इंडिया हो चाहे बाहर हो, तो देर आर सर्टन रेगुलेशन जो आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। आप अगर बिना उस रेगुलेशन को कंप्लाई करके प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करेंगे या बेचेंगे तो आपके ऊपर क्रिमिनल केस जैसा हो सकता है। तो ये जो पैकेजिंग है ये आपको इससे प्रोटेक्ट करता है। सो द लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ पैकेजिंग इज इकोनॉमी। इकोनॉमी मीन्स इट्स रिलेटेड टू मनी। तो जैसे आप कोई प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर पैकेजिंग में लॉन्च करते हैं तो इट डिपेंड्स कि आप कौन से मार्केट को कैटर करते हैं, कितना पैसा आप पैकेजिंग में उस पर लगाना चाहते हैं। अगर आपका रूरल मार्केट है तो उसके पैकेजिंग अलग होती है, अगर अर्बन मार्केट है उसके पैकेजिंग अलग होती है। आपकी अगर थोड़ा निश मार्केट है, आप सिर्फ प्रीमियम कस्टमर को कैटर करते हैं तो उसके पैकेजिंग अलग होता है। दिस इज कॉल्ड पैकेजिंग इकोनॉमी। तो इसमें पैकेजिंग आपको ये हेल्प करता है कि सेम प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में आप कैसे सेल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको पैकेजिंग क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्या कहाँ कहाँ पे पैकेजिंग लगता है, उसके एक ब्रीफ बताया। अभी जो सब्सिक्वेंट वीडियोज़ होंगे उसमें मैं पैकेजिंग में और डिटेल में बताऊंगा, जिसमें पैकेजिंग मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके यूसेज, सेक्टर वाइज पैकेजिंग कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे फूड पैकेजिंग क्या होता है, उसके क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, कॉस्मेटिक पैकेजिंग क्या होता है, केमिकल पैकेजिंग क्या होता है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बताऊंगा। आपको अगर कोई पर्टिकुलर पैकेजिंग के बारे में जानना है या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पैकेजिंग के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज चाहिए, आपको किसी पैकेजिंग में प्रॉब्लम होता है, तो आप जरूर कमेंट करिए और IIT को कॉन्टैक्ट करिए। यू कैन राइट अस ऑल्सो, यू कैन ईमेल ऑल्सो, और यू कैन विजिट IIT ऑल्सो। थैंक यू।